एक समय था जब लोग कुर्सी में और चूल्हा में, मिट्टी के चूल्हे में अपने घर में खाना पकाते थे, लेकिन गैस चूल्हे के आने से ये सारी चीजें विलुप्त होती जा रही है। लेकिन कुंभ मेले के दौरान यह फिर से दिखने नजर आने लगा। हम आपको आज बताने वाले हैं कि मेले के दौरान यहाँ की परंपरा है कि लोग गैस चूल्हे में नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते हैं। और हमारे साथ ही आर्टिस्ट हैं जो चूल्हा बनाती हैं और मेले के दौरान बेचती हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि कब से, कितने साल मेले के दौरान आप? कम 200 साल से हम बनाते हैं, 200-250 साल हो गया बनाते चूल्हा। अच्छा, तो कौन कौन, मतलब आपके घर में कौन कौन बनाता है? हम अकेले बनाते हैं, लड़की है हमारी कंडी पाकती है। अच्छा, और क्या क्या बनाती है? बस ये चूल्हा कंडी। कितने साल हो गए? 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। इस बार कितना बना चुकी हैं? कितने से? 2000। कितने में बेचती हैं? 5 रुपया में। 5 रुपया में। कितना, क्या मिट्टी कहाँ से लाती हैं इसको बनाने? रामघाट होती है। अच्छा, तो क्या परंपरा है ये मिट्टी के चूल्हे की, लोग क्यों खरीदते हैं? मिट्टी के चूल्हे के लोग मतलब एक बार गैस खाना बना लो तो एक बार खा लो तो मतलब मन की बीमारी फैलती है, बीमारी होती है, बीच कर दवाइये ले जाओ कंडे चूल्हे में, बीमारी नहीं आवत। इसको कौन खरीदता है? क्लबवासी। और क्लबवासी एक दिन जो नाते अमावस के बनता हो बाहरी। अच्छा, मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो खरीदते हैं? बाहरी इंसान चूल्हे में खाते हैं। तो आप सिर्फ मेले में ही बेचती हैं? हाँ, मेले में, सिर्फ कुंभ मेले में? हाँ, नहीं, हर मेला में। हर मेला, माघ मेला, कुंभ मेला, जो भी हो। हाँ। तो अपना नाम बता दीजिए। फोटो। कितने साल हो गए इसको बनाते हुए? हमको 25 साल। जी, ये प्रयाग नगरी संगम नगरी के घाट में फोटो आर्टिस्ट हैं जो मतलब गुर्सी, मिट्टी की गुर्सी बनाते हैं, और ये सिर्फ मेले के ही दौरान ये गुर्सी बिकती है, और ये जब मेला शुरू होता है तो इसके शुरू में बनाना शुरू करते हैं। प्रयागराज से सुमित यादव, ईटीवी भारत।